सुजीत जी सर, भूपेंद्र जी और अनिल जी, नवीन जी, बलवीर जी अभी चले गए, डीके सर और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे से पूछना चाहोगे तो मेरी तो अमूल्य और जो भी संपत्ति है वो मेरे शिष्य हैं। क्योंकि जब बच्चे किसी भी क्षेत्र में किसी भी एंगल से जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी एक गुरु को ही होती है। गुरु ही एकमात्र माता पिता के बाद अगर कोई है तो वो गुरु ही है, जो आपके बारे में हमेशा सोचता रहता और आपके बारे में वो ये चाहता है कि मेरे बच्चों को किस प्रकार से मार्गदर्शन करते हुए मैं आगे बढ़ाऊं। जितना प्रयास ने खुद के लिए नहीं किया होगा उतना प्रयास वो आपके लिए करता है हमेशा से, पॉजिटिव होकर के। और जब कोई शिक्षक आपके बारे में या आपको बार बार रोकता है टोकता है तो सोच लो उससे बढ़िया शिक्षक आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। इन चीजों के बारे में तो आपको बाद में पता लगता है कि ये जो टीचर थे वो अनुशासन के लिए या हमारे से बार बार कहते रहते थे, पर उस समय हमको बुरा लग सकता है, पर बाद में जब हमको ये समझदारी आती है, जब जाके हमको पता लगता है कि वास्तव में वो गुरुजी हमारे लिए कितनी बढ़िया थे। शिक्षक का जो जीवन की शुरुआत होती है वो मैं कहूं तो एक ही शब्द से होती है और वो है मर्यादा। शिक्षक हमेशा से मर्यादा से ही शुरुआत अपनी करता है और उसका अंत भी मर्यादा के साथ ही होता है। क्योंकि अन्य डिपार्टमेंटों में आप देख सकते हो कि वो कहीं भी आ जा सकते हैं, कैसे भी बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल कर सकते हैं, पर शिक्षक को अपनी मर्यादा में रहते हुए हर जगह अपनी गरिमा रखनी पड़ती है। गुरुजन के बारे में, अगर गुरुजन जो भी आपके लिए करते हैं मर्यादित रूप से, और जैसे मान लो कि कोई भी बच्चा है, राष्ट्र निर्माण वाली बात है, चरित्र निर्माण वाली बात है, तो ये सब गुरु से ही शुरुआत होती है। गुरु ने आप अपने पुराने गुरु के बारे में अगर अपन देखेंगे, जैसे एक समर्थ गुरु रामदास हुए, चाणक्य हुए, तो उन्होंने इस देश के लिए शासकों का निर्माण किया है। और आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे देश का अगर कोई निर्माता है तो वास्तव में वो शिक्षक ही है। शिक्षक के द्वारा ही इस देश का निर्माण हो रहा है और शिक्षक के द्वारा ही इस देश को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ही ये नींव तैयार करते हैं आगे जा करके, चाहे वो राजनेता के रूप में हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में हो, प्रत्येक तरह से अगर वो निर्माण करते हुए आए हैं तो वो शिक्षक ही। शिक्षक के बारे में अगर हम कहें दो या चार लाइनों के बारे में तो अपन ये एक वो हो सकता है उसके लिए, क्योंकि अपार भंडार है, गुरु भंडार है। गुरु के बारे में कहा गया है कि ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और शीश दे सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरुओं के बारे में बहुत सारी बातें विभिन्न पुराणों में अपने ग्रंथों में भरी हुई पड़ी है। और शिष्य के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरु से हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहना चाहिए। जो बच्चा अगर मान लो शंका करता है, पूछने में शर्म करता है, तो सोच लो वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए यानी पीछे हट रहा है। उसको प्रश्न पूछते रहने चाहिए। जो भी अपने मन में सवाल है अपने गुरुजनों के सामने रखो, क्योंकि गुरुजन के पास वास्तव में अमूर्त भंडार है जो आपको दिखता नहीं है। गुरुजन आपको वो चीज भी दे सकते हैं जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। कहने का मतलब ये है कि जब आप उनसे सवाल पूछते हो तो वो अपने मन की बात आपको जरूर बताते हैं किस प्रकार से आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है। इसीलिए तो उसमें ग्रंथों में कबीर दास जी ने भी लिखा है कि गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान। गुरु के समान दाता इस संसार में कोई नहीं, और याचक यानी भीख मांगने वाला या मांगने वाला वो होना चाहिए शिष्य को। हमेशा उसकी झोली खाली रहनी चाहिए, क्योंकि गुरु पर तो तीन लोक की संपदा है। तो गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, और तीन लोक की संपदा गुरु ने कर दी दिया। गुरु ने तीन लोक की संपदा को इस संसार में लौटा दिया। चाहे आप भगवान कृष्ण देख लो, राम देख लो, इनको भी तैयार करने वाले कोई ना कोई गुरु जरूर इस संसार में हुए, जिन्होंने इतना ज्ञान दिया है कि जितना उनके पास भंडार होता है योग्य शिष्य के लिए वो पूरी तरह उसको नौछावर कर देते हैं। और जब योग्य शिष्य अगर नहीं मिलता तो कुछ विद्याएं ऐसी होती हैं जिनको गुरु नहीं देते। चाहे द्रोणाचार्य जी के बारे में देख लो, अर्जुन उनने अगर योग्य समझा तो उसको वो सब विद्याएं दी, पर दुर्योधन उन्होंने इतनी योग नहीं समझा, उनने पहले ही देख लिया था तो उनको बहुत सारी विद्याओं से वंचित कर दिया।
अपने पुत्र के लिए भी वो विद्या नहीं दी जो अर्जुन को उन्होंने सिखाई, चाहे वो उनका पुत्र अश्वत्थामा क्यों ना हो। तो गुरु वास्तव में योग शिष्य के लिए पूर्णतः नौछावर करने के लिए तैयार है, पर यह है कि आप याचक बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं, क्योंकि आज का जमाना आपने देखा है एटीट्यूड वाला चल रहा। तो हमको याचक बन करके गुरु जी से कुछ लेना है तो एक याचक बन के ही प्राप्त हो सकता है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे से भी और उच्च पदों पर जाएं, आगे बढ़ें, अपने माता पिता, गांव, अपने क्षेत्र का, अपने गुरुजनों का सम्मान करें और उनका नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ देता हूं।